जस कई रत्नों को देखने में सक्षम होंगे जिनमें से सबसे स्पष्ट शनि के छल्ले हैं। वेबसाइट इंथिस्काई और के अनुसार इस वर्ष शनि का उत्तरी गोलार्ध हमारी दिशा में एक तिरछा झुका हुआ होगा जो पृथ्वी के संबंध में 18 डिग्री के कोण पर झुके हुए शनि के छल्ले को अच्छी तरह से देखने की अनुमति देता है। कोण को सूर्य के प्रकाश को बर्फीले छल्लों से परावर्तित करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वे हमारे दृष्टिकोण से रोशन हो सके। दर्शकों को शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन भी देखने को मिल सकता है। एक छोटी दूरबीन के माध्यम से टाइटन वास्तव में बहुत आसान है। खगोलविद फिल क्लार्क ने NPR को बताया, यदि आप एक नजर डालते हैं तो आपको शनि के ठीक बगल में एक छोटा तारा दिखाई दे सकता है। ये बहुत अच्छी तरह से टाइटन हो सकता है। आप इसकी पुष्टि करने के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं और तारामंडल सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक कर्ण भौतिक वैज्ञानी और एक उत्साही स्काई वॉचर कार्लोस ब्लैंको ने प्रोफोन्स पे और को बताया कि वह शनि को एक दूरबीन के साथ देखने की सिफारिश करता है जो देखने का एक संकीर्ण क्षेत्र और उच्च वर्धन प्रदान करता है। इस वर्ष शनि का उत्तरी गोलार्ध हमारी दिशा में एक तिरछा झुका होगा जिससे शनि के वलयों को अच्छी तरह से देखा जा सकेगा। सोमवार 2 अगस्त से आप शनि को आकाश में चमकते हुए एक खगोलीय घटना के रूप में देख सकते हैं जिसे विरोध कहा जाता है। पृथ्वी और चक्राकार ग्रह सूर्य के एक ही तरफ होंगे और एक अदृश्य रेखा द्वारा हमारे तारे से जुड़े होंगे जिससे पृथ्वी पर स्काई गेजर पूरी तरह से प्रकाशित शनि को देख सकेंगे। आकाश में ग्रह इस मायने में अद्वितीय है कि वे अपेक्षाकृत उज्जवल है लेकिन लगभग बिंदु समान है, जैसा कि चंद्रमा या एंड्रोमेडा आकाश गंगा के विपरीत है जो आकाश में कई डिग्री तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा, और वेबसाइट के अनुसार शनि सोमवार को लगभग 2:00 GMT पर इस सबसे चमकीले बिंदु पर पहुंचता है। ये स्थानीय समय अनुसार आधी रात के आसपास आकाश में सबसे ऊंचा होगा और मकर राशि के नक्षत्र में स्थित होगा। तो उन पर एक अच्छी नजर डालने के लिए आप एक ऐसा दायरा रखना चाहते हैं कि जो छवि आप दृश्यदर्शी में देखते हैं वह ग्रह जितना बड़ा हो। दूसरे शब्दों में दर्शक आकाश में जो सर्कल बनाता है वह बहुत तंग होना चाहिए प्रकाश के उस बिंदु के आसपास। उन्होंने कहा, मोटे तौर पर दूरबीन की आवर्धन शक्ति जितनी अधिक होगी देखने का क्षेत्र उतना ही छोटा होगा। और इसके विपरीत ब्लैंको 8 इंच के डोरसनियन टेलीस्कोप की सिफारिश करता है। सिफारिशों के लिए प्रोफोन स्पेस और इस साल की सर्वश्रेष्ठ दूरबीनों की सूची देखें। यदि आप समय पर दूरबीन का पता नहीं लगा सकते हैं तो चिंता न करें, क्योंकि शनि सबसे दूर की वस्तुओं में से एक है जिसे लोग आकाश में नग्न आंखों से देख सकते हैं। अंगूठे के सामान्य नियम के रूप में प्लैंक रात के आकाश में सबसे चमकीले बिंदु को खोजने की सिफारिश करता है शुक्र के सेट होने के बाद। यानी उस ग्रह को पहचानना आसान है क्योंकि ये सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले आकाश में कम चमकता है। वह उज्जवल बिंदु बृहस्पति है। उन्होंने NPR को बताया, और शनि बृहस्पति के पश्चिम में आकाश में अगला सबसे चमकीला बिंदु होगा। ये समझना कि विपक्ष कैसे काम करता है भी मदद करेगा। विरोध तब होता है जब कोई ग्रह पृथ्वी के आकाश में सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। ऐसे में शनि रात के समय उत्तरी गोलार्ध के आकाश में ऊंची चढ़ाई करेगा क्योंकि ये सूर्य के विपरीत है जो दिन के समय आकाश में ऊंचा होता है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।